मैं रिया करने वाली हूँ ऑन एलवेश यादव ठग लाइव। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैम मुनारी नायक, वेलकम टू माई चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। करके टिक्की में मत गिरे का चिलम, अब फिर रिवाड़ी जाना पड़ेगा। पूजा क्या कर रही है यहाँ पे? पापा अशोक जी नमस्ते। क्या चल रहा है सब? कौन है ये लड़का? बॉयफ्रेंड? उसे कॉलेज में एडमिशन करने के लिए भेजते हैं क्या? कल तेरी बात को सुनो, तुझे मैं करता के देखता हूँ। चल मेरे साथ। तो पापा मेरी बात को सुनो। तो चल। कह तो आप सही रहे हो, आप कुछ भी कैसे बोल रहे, आपका हक है, पर गलत मैं भी ना हूँ। हमने पता छोरी की इज्जत कैसे करे करा है। आज तो आपने मना कर दी, पर अगली बार जब मम्मी पापा कह घर रिश्ता लेकर आऊँ ना, तब मना मत करना। कोई होगा जो आपकी मर्जी है। जो बिग बॉस में कभी नहीं बना फेक, और जिसका दिल है नेक, उसका नाम है अभिषेक। जिसने पानी में मिला दिया साबुन और बोलती मैंने क्या किया, उसका नाम है जी। जिसको लगता है उसके चमचागिरी ना करने से ये शो हो जाएगा फीका, उसका नाम है आशिका। जो बिग बॉस में दिमाग से खेलती है गेम, मनीषा है उसका नेम। जिसको बिग बॉस की जनता नहीं डालती घास, उसका नाम है अविनाश। जो बिग बॉस में मचा रहा तबाही, वो एल्विश यादव है मेरे भाई। सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनालिटी है। सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, और सामने आके अभी भाई भाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। मत करो हत्ते चढ़का ना जोड़ सभी पे। पूरा सिस्टम एल्विश भाई के आगे नंगा नाचता है। इसी बीच एक ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया है, जिसमें एल्विश यादव को कैनेडा के मशहूर गैंगस्टर गोल्डी ब्रास से सपोर्ट मिल रहा है। ये सच है? मैं ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मजाक से वो उड़ाता है जो कम्पीट नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें इतना ही जोर है तो एक बार भाई के सामने मुंह पे मजाक उड़ा के दिखाओ ना, तुम्हारी रेल बंद है। बिग बॉस घर से निकालता निकालता मारता लागा, और गुड़गांव लाके भी मारा। इसके लिए था क्या वो अदनान जो अभी इसको कुछ बोल रहा था, मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर एल्विश भाई जीत के आएगा, जो कि पक्का जीत के आएगा, तो 1000 गाड़ी जाएगी रिसीव करने। गिन के पक्का प्रॉमिस है। 1000 एक गाड़ी, 1000 एक गाड़ी जानी चाहिए भाई। 1000 से कम नहीं होगी। 1000 माँ कसम यार, और हो सकता है कर सकते यार, इतनी भीड़ ऑलरेडी थी सपोर्ट करने के लिए, तो 1000 गाड़ी तो हो जाएगा। ये बीच में जो बैटर था वो अभी पिछले वाले क्लिप में वो फुकरा इंसानी था क्या? गाड़ी रात न करो, प्यार का तो कैदा देख पटना। ए हे अंकल जी कहते हो सिस्टम रहना है तो सोनम यादव हाथ पे थूक लगा दिया यार। हेलो, अरे इसने मुंह को छुपा रखा भाई। आपने मुंह को छुपा रखा है? अच्छा वो तो हमें भी पता है, पर फिर भी। Oh God. तू भी बोल। मने शर्म आवे। क्यूट शर्म था ये। बापरे गुस्सा आ गया। लपड़ वपड़ की बात नहीं करना मेरे सामने। हेलो बबलू, हमारे घर का आगे देख छोरी जा रही होगी, इसके पीछे अपनी बुरी कुटिया छोड़ दी। ऐसे खींच के फिर छोड़ना, ऐसे मत बिना कभी, देखो इससे माउथ कैंसर हो जाएगा। क्योंकि
उस मामले में मैं बोलूंगी भाई बादशाह है लड़का। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? देखो वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाइल्ड कार्ड जीतता है तो ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि वाइल्ड कार्ड इंसान जीते। और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चेन होती है उसको ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो चाहती हूँ कि एल्विश यादव जीते। बाकी तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे धर्म के बारे में कोई फालतू बोलेगा, अगर उसको डिफेम करेगा और मैं उसको गाली बकूंगा और कोई मेरे को बोलेगा एलिस भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भाई मैं गलत ही हूँ, मेरे को अच्छा बनना भी नहीं, मेरे को गलत ही रहना। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जीरो एट ही क्यों, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, वन तो है। मुझे ये नहीं समझा। भाई सलमान खान के रास्ते 4-5 मिलियन जो फॉलोअर है वो कम हो गए हैं। सल्लू भाई कह रहे 500 रुपए दे देंगे क्या तुम्हारे फैंस तुम्हें? सलमान खान के कमेंट सेक्शन में जाके सब लिख रहा 500 या 5,000 भी दे देंगे। सलमान खान के 4 मिलियन फॉलोअर्स। खतरनाक पावर ऑफ यार। वो कह रही है इस बार बिग बॉस में यूट्यूबर्स आए हैं, तुम भी चले जाओ। इतनी पागल हो रखी है, मुझसे एल्विश का स्किन केयर रूटीन पूछ रही थी। पंगे मत ले, वो पहले कितनों की करियर खराब कर चुका है। अगर विश्वास ना हो तो अपनी बहन आशिका भाटिया से पूछ ले, वो खुद बता देगी। वो सहमी हुई क्यों है, क्यों नहीं खोल रही जुबान? क्योंकि एल्विश का खौफ पता है उसे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को हेट है फुकरा इंसान से, मेरे को अभिषेक भी बहुत पसंद है, आई लव हिम, बट एल्विश एल्विश है यार, उसके सामने कोई नहीं है। टांग के दम पे तुम उछल रहे हो ना, मैं कहा मैं किसी नेता के दम पे नहीं चलता भाई, सीधा साफ सीधी बात, हम अपने दम पे उछले हैं और उछल का ऊपर उछलते रहे। बेबी मैं ना कॉलेज के गेट पे खड़ी हूँ, मुझे बहुत लेट हो चुका है, तुम जल्दी से आ जाओ और मुझे घर ड्रॉप कर दो। बाप रे इतनी सारी गाड़ियां लेके ये अलग ही साइड हो रहा है। मैंने तो लग रहा कोई नेता भी आ रहा है, लगता है कोई बॉलीवुड स्टार आने वाला है। इतने लोग जमा हो गए देखने के लिए, भाई साहब ये क्या है? ओहो, ओ माय गॉड, ये कॉलेज है। पूछ मेरा टोरा, एक नंबर बात चीत हरियाणा का छोरा, बुला लिए तू जितने भी खेल बदमाश, तेरे गाड़ देंगे छैप। देखो सब पे भरोसा मत करो, सही बात। आसपास के लोगों पे, मतलब एक होता है ना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं हम लोगों पे कि भाई दो अच्छी बात क्या कर ली इसने कि हमारा अच्छा ही सोचेगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने भाई खूब देखे अपने बंदे जो खूब साथ में रह के स्कैम कर गए, कुछ कर गए और भरोसा कर लिया हमने जल्दी कि चलो हमारे साथ बैठता उठता है, सेम बातें करता है। और अपने राज मत खोलो भाई किसी के आगे, मेन चीज समझ जल्दी से कि अपने बंदे हैं भाई, चलो इसको ये वाली बात बता दी, वो वाली बात बता दी, फिर वो बाद में ना मिसयूज करते हैं उस चीज से बचना। बाकी लड़कियों से तो बच ही रहे हो। आज हम जा रहे हैं पीयूष गोयल जी से मिलने, जिसको नहीं पता पीयूष गोयल कौन है, मिनिस्टर ऑफ मतलब अपने कैबिनेट मिनिस्टर। ओ हाँ, खाना वाना तो खा लिया मैंने, लेकिन वे ये क्या हो रहा है? अरे अरे कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? भाई एल्विश यादव जीत गया बिग बॉस, जीत गया सिस्टम है भाई, गाड़ी दिखा कर। ओए सिस्टम है भाई, खतरनाक, सीरियसली खतरनाक है। बाहर आने के बाद भी बोलते ना, जो दुश्मन भी अपने गुणगान गाने लग जाए तो समझ लेना कि बहुत कुछ हमने पा लिया है ऑलरेडी, एंड हेटर्स को भी हमारे फॉलोअर्स में बदल दिया बोलते वैसे टाइप का हो गया। बिकॉज बाहर आने के बाद अभी इस पलकनाज, ये फिर वो अविनाश या फिर जितने भी लोग थे वहां अंदर, इसके साथ एकदम क्रॉस चल रहे थे, वो बाहर आने के बाद खतरनाक तरीके से सपोर्ट करे। मैंने उनके रील्स देखे, वो जो मीडिया वाले जाते जाते पूछते बार बार ये या वो अभिषेक क्या ये वो करके, नहीं क्या, तो मैंने इनके आंसर सुने एंड मैं टोटली शॉक हो गई कि अंदर ये लोग इतना लड़ाई करते थे, जैसे कि चाहे जो हो जाए प्राण चले जाए हम सपोर्ट नहीं करेंगे काइंड ऑफ, एंड बाहर आने के बाद फुल ऑन सपोर्ट चालू है। एंड अभी मैंने शो में, लाइव शो में देखा जहाँ पे कृष्णा बोल रहे थे अभिषेक को कि भाई मेरे वाइल्ड कार्ड लग गए करके एंड ऑल, नहीं क्या, मतलब लाइक लिटरली टॉप टू में भी मैंने कभी नहीं देखा कोई वाइल्ड कार्ड एंड एवरीथिंग, एंड दिस वाज
खतरनाक, मतलब अलग लेवल पे गेम लेके गए एंड अलग लेवल पे एवरीथिंग। जितना सके लाइक कमेंट शेयर कर देना गाइस। बाकी परत मिया लेचा, बाय।